हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सोशल स्टडी। सोशल स्टडी की बुक आपके रीडिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए है। सो इसमें सिर्फ आपकी रीडिंग ही होगी और कोई एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर या फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी नहीं होगा। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 6, सर्विसेज इन द नेबरहुड। SERVICES, सर्विसेज इन द NEIGHBOURHOOD नेबरहुड। क्या आपके नेबरहुड में कौन सी सर्विसेज होती है उसके ऊपर है चैप्टर। लर्निंग पॉइंट्स में है सर्विसेज इन अ नेबरहुड, स्कूल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इन एवरी नेबरहुड वी फाइंड सम ऑफ दिस सर्विसेज। एवरी नेबरहुड में हम ये सर्विसेज फाइंड करते हैं लाइक स्कूल, मार्केट, पार्क, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आपको यहाँ पे पिक्चर दिए हैं, अ स्कूल, अ मार्केट, अ पार्क, अ हॉस्पिटल, अ पोस्ट ऑफिस, अ पुलिस स्टेशन एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो आपको आपके नेबरहुड में स्कूल होनी चाहिए ताकि चिल्ड्रन जो है वो स्कूल जाके सब कुछ सीख सके। मार्केट होनी चाहिए सब कुछ चीज़ें लेने खरीदने के लिए। पार्क होना चाहिए चिल्ड्रन के प्लेइंग के लिए और मॉर्निंग वॉक के लिए। फिर हॉस्पिटल होनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस भी होनी चाहिए, पुलिस स्टेशन भी होना चाहिए और वर्शिप के लिए प्लेसेस भी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्कूल। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्कूल। स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट सर्विस। जो स्कूल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है। देर इज अ स्कूल इन ऑलमोस्ट एवरी नेबरहुड। ऑलमोस्ट एवरी नेबरहुड में स्कूल तो होते ही है। चिल्ड्रन गो टू द स्कूल इन द नेबरहुड। तो जो नेबरहुड में जो स्कूल होती है उसमें चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं। इन विलेजेस द स्कूल्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू द स्कूल इन टाउन्स एंड सिटीज। तो जो विलेज में जो स्कूल होती है वो टाउन एंड सिटी में जो स्कूल होती है उसके कंपेयर में छोटी ही होती है, क्योंकि जो टाउन एंड सिटी होते हैं वो बड़े होते हैं, तो ऑब्वियस है वहाँ पे स्कूल भी बड़ी होगी। और जो विलेज है वो टाउन एंड सिटी के कंपेयर में छोटा होता है, तो वहाँ की स्कूल भी जो होती है वो भी कैसी होगी, छोटी होगी। We learn various, VARIOUS, various subject and languages, LANGUAGES, languages in school. तो हम स्कूल में जाके अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं। We learn to speak, read and write the languages. हम स्कूल में जाके speak यानी बोलना, read यानी पढ़ना and write यानी लिखना सीखते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज बोलना, read करना and write करना भी हम सीखते हैं। The language we speak at home is our mother tongue. जो हम हमारे घर पे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं वो क्या होती है, हमारी मदर टंग होती है। अगर आप घर पे हिंदी में बात करते हो तो आपकी मदर टंग क्या होगी, हिंदी। अगर आप घर पे गुजराती में बातें करते हो तो आपकी मदर टंग क्या होगी, गुजराती। अगर आप घर से मराठी हो, आप मराठी में बातें करते हो तो आपकी मदर टंग होगी मराठी, इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के सैंपल दिए हैं, तो देखते हैं। ये है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, ओरिया, बंगाली, अरेबिक, तमिल, कनाडा, तेलुगु, मलयालम। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट अबाउट नंबर्स। तो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है वो किसके ऊपर होता है, नंबर्स के ऊपर। इन मैथमेटिक्स वी लर्न टू काउंट एंड डू सम। तो मैथमेटिक्स में हम लोग काउंट करना और सम्स करना सीखते हैं। नेक्स्ट है साइंस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो साइंस सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। इन साइंस वी लर्न अबाउट प्लांट्स, एनिमल्स एंड अवर बॉडी। तो साइंस में हम लोग सीखते हैं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के बारे में और अवर बॉडी के बारे में। तो ये सब जानना आपको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको साइंस में क्या आता है, इंटरेस्ट रहता है। इसलिए साइंस कैसा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
इन सोशल स्टडी वी लर्न अबाउट अवर प्लेनेट अर्थ द सन द मून एंड द स्टार. तो सोशल स्टडी में हम लोग क्या सीखते हैं हमारे प्लेनेट के बारे में. तो द सन है, अर्थ है, मून है, स्टार है, उनके अबाउट हम सीखते हैं. वी ऑल्सो स्टडी अबाउट पीपल एंड इम्पोर्टेंट प्लेसेस अराउंड अस. तो हम अलग अलग पीपल के बारे में और उनके आजू बाजू में, हमारे आजू बाजू में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती है उसके बारे में सीखते हैं. इन स्कूल वी ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स. तो स्कूल में जाके हम लोग गुड हैबिट एंड गुड मैनर्स भी सीखते हैं. वी विश अवर टीचर्स एंड फ्रेश. हम हमारे फ्रेंड्स को और टीचर्स को विश करना भी सीखते हैं. आप सुबह आके गुड मॉर्निंग विश करते हो, किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे विश करते हो. इस टाइप से अलग अलग विश भी आप स्कूल में आके सीखते हो. वी लर्न टू यूज द वर्ड एक्सक्यूज मी, प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू. स्कूल में आके आप लोग अलग अलग वर्ड भी सीखते हो, लाइक एक्सक्यूज मी, प्लीज, सॉरी, थैंक यू एक्सेट्रा. नेक्स्ट आपको दिया है वी प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन स्कूल. तो स्कूल में हम अलग अलग स्पोर्ट्स और गेम्स भी खेलते हैं. दिस कीप्स अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट. तो ये अलग अलग गेम और स्पोर्ट्स करने से हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी एंड फिट रहती है. वी ऑल्सो लर्न म्यूजिक, आर्ट एंड डांस इन स्कूल. स्कूल में हम और क्या सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, आर्ट एंड क्रिएटिविटी की आपकी बुक आती है वो सीखते हैं, डांस सीखते हैं. स्कूल इज इननेट फन. तो यानी स्कूल में बहुत सारा क्या होता है, फन होता है, स्कूल में बहुत मजा आता है. नाउ आई नो इन एवरी नेबरहुड वी फाइंड मैनी सर्विसेज. अ स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड. वी लर्न वेरियस सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन स्कूल. वी ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स इन स्कूल. वी हैव मैनी अदर एक्टिविटी इन स्कूल. तो हमें स्कूल में अलग अलग इन एवरी नेबरहुड वी फाइंड मैनी सर्विसेज. तो मैनी सर्विसेज हमें नेबरहुड में मिलती है. स्कूल में जाके हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट और लैंग्वेज सीखते हैं. स्कूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है नेबरहुड में. वी ऑल्सो लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट इन स्कूल. स्कूल में जाके हम लोग गुड हैबिट एंड गुड मैनर्स सीखते हैं. वी हैव मैनी अदर एक्टिविटी इन स्कूल. और मैनी अदर एक्टिविटी भी हम स्कूल में जाके सीखते हैं. ओके, तो आपको ये रीडिंग करने की प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो ओवर होता है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू लेसन के साथ. तब तक बाय बाय.